Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभित मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर्स शो की. जो भी शनिवार रविवार के करंट अफेयर्स हैं वो सब हम कवर करेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए. और आपके लिए एक्स्ट्रा हाइलाइट्स भी हैं तो उसका भी वेट करिएगा. हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा शो बना रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स इतना कवर कर दें कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े. ये मेरा आपसे वादा है और ज़रूर आप इसको देखेंगे, आप इसे महसूस करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने मोटिवेशनल कोट की. और ये रहा हमारा मोटिवेशनल कोट जो कि हमें बहुत अच्छे समझना चाहिए. देखो, फेल्योर है, फेल्योर होता है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं. फेल्योर का मतलब ये नहीं है कि हम आज फेल हो गए तो हम लूज़र हैं. नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिलेक्शन ना होने के. तो कल अगर हम गिरे हैं तो आज हमें खड़े होना है, खड़े होकर हमें ये दिखाना है कि हम क्या रॉक स्टार्स हैं. दोस्तों, मैं उन सारे भाइयों से, उन सारी बहनों से कहना चाहता हूँ जो भी फेल होते हैं और फेल होने के बाद जो क्विट करते हैं, वो प्लीज़ ना करें. आपने टाइम दिया है, आपको बहुत कुछ आ गया है, उसको निखारने की ज़रूरत है. तो अपने पर बिलीव करें, आगे बढ़ें और सिलेक्शन ज़रूर लें. दुनिया को साबित करें कि आप रॉकस्टार हैं. ज़िद है तो ज़िद है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए, करना ही है. आई कैन, आई विल, आई मस्ट, भूलिए ना कभी. चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और दिखाते हैं कि आज क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में इंडेक्स आपके सामने आ रही है जहां पर आपको ये सारे पॉइंट हम पढ़ाएंगे. आज एमसीक्यूज नहीं होते हैं, याद रखिएगा, कल से एमसीक्यूज शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट्स की. डिफेंस से शुरुआत करेंगे और एक्स्ट्रा हाईलाइट तक हम लेकर जाएंगे आपको, ठीक है? देखिए यहाँ पर, चलिए. तो AMAN, अमन 19 किक ऑफ. तो अमन 19 शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है? पाकिस्तान में शुरू हुआ है. अमन नाम है इसका. ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, पाकिस्तान में है. 6th एडिशन है, 45 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हर दो साल में एक बार होता है पाकिस्तान में अमन. आइए उसकी बात करते हैं यहाँ पर. देखिए देखिए, तो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, नाम इसका है अमन 19. Formally commenced on February 11, 2019 at Pakistani Navy Dockyard. तो अमन 19 की शुरुआत हो चुकी है पाकिस्तानी डॉकयार्ड में. 11 फरवरी को ये शुरू हुआ है. अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या आपको पढ़ना है, ऐसे पॉइंट में क्या पढ़ना है, उसकी हम बात कर लें. देखिए, तो अमन 19 इज अ मल्टी नेशनल नेवर एक्सरसाइज कंडक्टेड बैनियल बाई पाकिस्तान नेवी साइंस 2007. तो हर दो साल में ये शुरू होता है, 2007 से ये शुरू हुआ है. यानी अगर मोटा मोटा बात करें तो ये 6th एडिशन है. तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा,
अमन 19 कहां पर हुआ? पाकिस्तान. ये किस तरह का डिफेंस एक्सरसाइज है? तो मैरीटाइम या नेवल, जो भी आप बोलना चाहें. सिक्स्थ एडिशन है, 45 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. यही 3-4 पॉइंट जो मोटे मोटे हैं, यही आपको पढ़ने होते हैं. ठीक, अमन. हाँ, अरे अमन पसंद तो सब लोग करते हैं ना, हम लोग भी करते हैं. तो सिक्स एडिशन, 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे. नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं. दो साल में होता है एक बार. इतना ही पॉइंट आपको लर्न करना है, इससे ज़्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, 2007 से शुरू हुआ है, ये भी पॉइंट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं यहाँ पर. तो इसमें चीफ गेस्ट कौन थे उसकी बात कर लेते हैं. तो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट, वाइस एडमिरल, इनका नाम है मोहम्मद अमजद खान नियाजी. ये चीफ गेस्ट हैं इसमें, चीफ गेस्ट थे इसके इनॉग्रेशन मौके पर. तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है. कमांडर पाकिस्तान फ्लीट, वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने आपको दिखा दिए. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें. तो पाकिस्तान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है. इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलिए. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, और करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, वहां पे चलती है. ठीक है, तो क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं याद है, आपको शायद याद होगा, तो मुझे जरा कमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, चलिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो लिस्ट ऑफ नेवल एक्सरसाइज इन 2018, तो नेवी का एक्सरसाइज 2018 में जो हुआ इंडियन नेवी का, हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं. जस्ट लाइक इप्सा मार की हम बात कर लें या माला बार की बात कर लें, कौन कौन सा देश पार्टिसिपेट करता है, कहां पर हुआ, लोकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे बच्चे जिनका NISCL AO का पेपर हो, या SSC का हो, CPO का हो, GD कांस्टेबल तो मान लो हो गया, और जिनका भी एग्जाम हो उसमें ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है. ठीक है, रेड क्लिफ लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, देखिए. तो आपको मिलन, सिम्बैक्स, स्लाइनेक्स, वरुण सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, याद कर लीजिएगा जिनके भी एग्जाम्स अभी होने हैं 3-4 महीनों में. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और पर्सन ऑन विजिट की बात करेंगे. डिफेंस का भी ये पॉइंट है, और ये क्या है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ विजिट बांग्लादेश. तो वायुसेना के प्रमुख जो है ये बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं. तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन के दौरे पर गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है. आइए इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं. ठीक है, देखिए, तो एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ, चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स, वेंट टू 4-डे ऑफिशियल विजिट टू बांग्लादेश. तो ये 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पर बांग्लादेश में गए हैं. एग्जैक्टली, मैं आपको पता है ना कि इंडिया और बांग्लादेश SAARC के मेंबर कंट्रीज हैं. तो SAARC के मेंबर कंट्रीज में जैसे जिस भी देश के डिफेंस जो हेड होते हैं वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक दूसरे देश के विजिट पे आते हैं. तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर. तो एयर चीफ मार्शल कौन है, बीरेंद्र सिंह धनोआ, कहाँ गए हैं, बांग्लादेश. बांग्लादेश के 4 दिन के दौरे पर गए हैं. बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये तो आपको लर्न होगा ही. आगे देखते हैं, देखिए, He will visit operational and training unit of Bangladesh Air Force. This is a bilateral goodwill visit to a SAARC nation. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट केवल कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे. SAARC का मतलब आप जानते हैं कि SAARC का मतलब क्या है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 8 मेंबर कंट्रीज इसमें है, हम उसकी बात बयान करेंगे आपसे. चलिए आगे बढ़ दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. तो ही विल ऑल्सो मीट द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ 3 डिफेंस सर्विसेज इन बांग्लादेश. ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर से ही मिलेंगे वहाँ के, और जो 3 डिफेंस सर्विस के चीफ हैं उनसे ही मिलेंगे वहाँ पर. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा सारे पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, ढाका टका, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको हम दे सकते हैं. तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है, फिर आगे बात कर लेते हैं. कमेंट करें, मैं आपको देख रहा हूं यहां पर. ठीक है, चलिए, आयुष शेख हसीना है बेटा, वो HADINA नहीं, आपने गलत कमेंट कर दिया है वो. ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट आए, देर आए, दुरुस्त आइए. ठीक है, चलिए आइए बांग्लादेश की बात करते हैं. तो कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हम दे रहे हैं. हाँ, ये एयरफोर्स एग्जाम के लिए भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. मैक, क्या मैक, मैक पूरा नाम बताओ. नीरज बोल रहे हैं जूम, जूम तो है भाई, कितना जूम करें. मैकमोहन, चलिए
डूरेंट, देखो देखो याद करो सारे पॉइंट याद करो। चलिए तो लिस्ट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज बाई इंडियन एयरफोर्स, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने आपको नेवल एक्सरसाइज दिखाया था और अभी आपको एयरफोर्स का एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सा एयरफोर्स एक्सरसाइज किया है, कौन सी कंट्री के साथ, उसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, आराम से हमारे पीडीएफ में है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी तक डुरंड है कि मैकमोहन है, आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं इसमें, देख लीजिए भैया लोग देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, साक की बात करते हैं। तो साक में 8 मेंबर कंट्री, कैसे याद करें मेंबर कंट्री का नाम? तो यहाँ पर हम सबके चहेते हैं, मान लो अंशुल पांडे देख रहे हैं हमारा वीडियो, मान लो एक दिन मुझे गुस्सा आ गई, मैंने अंशुल पांडे को पीट दिया, फॉर एग्जाम्पल, भाई नाराज मत होना ठीक। तो अंशुल पांडे को मैंने पीट दिया तो इनका हार्ट टूट गया, इनका हार्ट टूट गया मतलब फ्रैक्चर हो गया। अब इनका हार्ट टूट गया तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे, और कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? कोई झोला छाप नहीं, ये जाएंगे MBBS के पास, MBBS, ठीक। और क्यों जाएंगे? बिकॉज इनको पेन हो रहा है ना, पेन, दर्द हो रहा है इनको। तो ये ट्रिक है याद करने की, साक मेंबर कंट्रीज देख लीजिए। तो यहाँ पे मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो MBBS पेन के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि साक के कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं। MBBS मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भाई केवल कहानी है अंशुल भाई, दिल में मत लेना, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, याद करने के तरीके हमारे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या है? तो देखिए, साक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो साक का हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो काठमांडू में है, इतना याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो अमजद हुसैन बी सियाल हैं, ये याद कर लीजिएगा, और कुछ जरूरी नहीं है आपसे। तो मेंबर कंट्री के नाम दिए गए हैं इसमें, और ये बताया जा रहा है कि जो साक मेंबर कंट्रीज हैं वो 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया कवर करते हैं, 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे पीडीएफ में, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या है देखिए यहाँ पर। चलिए तो गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सुरेश प्रभु जी की बात कर रहे हैं। सुरेश प्रभु जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है आपको ये बताइए। तो सुरेश प्रभु जी ने 2 स्कीम की शुरुआत की है मुंबई में। आपको स्कीम का नाम याद रखना है और स्कीम में क्या क्या होने वाला है वो कुछ पॉइंट है मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु लॉन्च 2 स्कीम ऑन 9 फरवरी इन मुंबई। तो 9 फरवरी को 2 स्कीम की शुरुआत हुई है मुंबई में, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहली स्कीम का नाम क्या है देखिए, तो हिरकणी महाराष्ट्री, महाराष्ट्राची, ये स्कीम का नाम है। तो इस स्कीम में क्या होगा, 10 ग्रुप्स विल बी सेलेक्टेड, 10 ग्रुप सेलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम ईच तालुका। तालुका का मतलब होता है गांव, कुछ गांव को मिला के तालुका बनता है। तो ईच तालुका से 10 ग्रुप चुने जाएंगे और उनको ₹50,000 दिए जाएंगे टू ईच टू इम्प्लीमेंट देयर आइडिया, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है, ठीक। तो पहले का नाम क्या है, हिरकणी महाराष्ट्राची, ये स्कीम का नाम है। 10 मेंबर चुने जाएंगे हर तालुका से, जिनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक। तो ये पहला स्कीम है जो आपको नाम केवल लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या है, दूसरी स्कीम क्या है हमारी। तो दूसरी स्कीम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन। तो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस प्लान कंपटीशन में क्या है, 5 आइडियाज विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एंड ₹5 लाख विल बी गिवन टू देम, और ₹5 लाख दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। आपको याद रखना है कि सुरेश प्रभु जी ने मुंबई में 2 स्कीम लॉन्च की, उनका नाम और कितना कितना फंड एलोकेट किया जाएगा। तो पहले वाले में 50,000 फंड एलोकेट किया जाएगा 10 ग्रुप को, और दूसरे वाले में 5 ग्रुप के आइडियाज चुने जाएंगे और इनको 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये आजीविका आपको बढ़ाने के लिए 2 स्कीम्स थी जो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ का लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा, अभी थोड़ी ना मिलेगा, तुरंत वीडियो के बाद मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे महाराष्ट्र की। तो आई होप कि महाराष्ट्र के पूरे स्टडी पॉइंट्स आपको लर्न हो गए होंगे, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, महाराष्ट्र के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपने सब लर्न कर लिए होंगे। आपको डेली हम दिखाते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारे पॉइंट आपको लर्न हो गए, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पर GI टैग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र में कितने प्रोडक्ट को GI टैग मिला है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपको हमने यहाँ पर दी है, साथ में बिहार भी है, देख लीजिएगा इसे, ठीक है, PDF में हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे जो बच्चों की डेथ हो जाती है उसको रोकने के लिए देखिए यहाँ पर क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिंग बेबी केयर किट टू द चिल्ड्रेन बॉर्न इन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की थी कि जो बच्चे की डेथ हो जाती है वो ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट बेबी केयर किट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आपको ये पता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महा एग्रीटेक के बारे में भी मैंने आपको बताया है, जहां पर क्रॉप्स की निगरानी सैटेलाइट के थ्रू की जाएगी। इसके बाद क्या है, स्मार्ट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च किया। ये सब पॉइंट आपको पढ़ाए गए हैं ना, तो रिविजन की तरह, क्विक रिविजन की तरह आपके यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्सन इन न्यूज की, और बात कर रहे हैं शेन वॉन की। तो आईपीएल आने वाला है, लड़कों के चेहरे खिलने वाले हैं, लड़के इनके चेहरे दो टाइम पर खिलते हैं, जब शादियों का सीजन होता है या फिर आईपीएल। शादियों का सीजन में ये होता है कि जो बच्चे बाहर बाहर रहते हैं तो अपना खाना बनाना नहीं है, बाहर चले गए शादी वादी में खाना खाए, है ना, और आईपीएल चलता है तो ये तो पूरा एक वो है ना, एक बहुत बड़ा इवेंट है, कुंभ है एक तरह का, अपना पैसा अंदर बाहर सब होता है ना भाई लोग। चलो तो शेन वॉन की बात कर रहे हैं, शेन वॉन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजस्थान रॉयल के, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो शेन वॉन जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजस्थान रॉयल के। आपको पता है कि शेन वॉन ने राजस्थान रॉयल के लिए 4 साल कैप्टेंसी की है, ठीक, 4 सीजन में कैप्टेंसी की है, 4 सीजन में 7 में रहे हैं। 2011 में इन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। बहुत बढ़िया स्पिनर थे, सही बात है, ठीक है। चलिए, इस बार राजस्थान रॉयल अपने जर्सी का कलर भी चेंज कर रही है, पहले इसका कलर नीला था और अब ये पिंक कर रही है इस साल से। तो राजस्थान रॉयल ने अपनी जर्सी का कलर चेंज कर दिया है, पिंक कर दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या आपसे बताया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ आईपीएल टीम्स, तो आईपीएल टीम्स कितनी है, तो अभी 8 टीम खेल रही हैं। तो सिटी कौन सा है, होम ग्राउंड क्या है, डेब्यू कब हुआ था, करंट कोच, करंट कैप्टन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए आपको यहाँ पर दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम चेंज हो गया, आपको पता ही होगा, तो दिल्ली डेयर डेविल्स आई थिंक इसके पहले नाम चला गया, दिल्ली कैपिटल्स हो गया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो करंट कोच करंट कैप्टन के बारे में भी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपसे इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन था, और करंट चैंपियन कौन है, तो करंट चैंपियन चेन्नई सुपर किंग है। सबसे ज़्यादा कौन सी टीम जीती है, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच में टाई है, 3-3 बार इन लोगों ने ये इवेंट जीता है। मोस्ट रन सुरेश रैना के हैं, मोस्ट विकेट लसित मलिंगा के हैं, ठीक है। चलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है, आगे बढ़ते हैं। और मोस्ट रन इन ईच फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो टेस्ट हो चाहे ODI हो, सचिन तेंदुलकर के अभी तक के सबसे ज़्यादा रन है, और T20 की बात करें तो रोहित शर्मा सबसे नंबर एक पर चल रहे हैं, मतलब कि तीनों फॉर्मेट में इंडियन ही सबसे आगे हैं, है ना। चलिए अच्छा बात है, प्राउड का विषय ये हमारे लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या क्या होने वाला है देखिए। तो पर्सन इन न्यूज की बात करने वाले हैं, और मुकेश अंबानी ने टॉप किया है हरून इंडिया लिस्ट। ये हरून इंडिया लिस्ट, ये कौन सी लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा दान देने की, दान मतलब कि जो आप सोशल वेलफेयर के लिए दान देते हैं उसकी लिस्ट आई है, मुकेश अंबानी इसमें भी सबसे ऊपर है। आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन, बात करते हैं, देखिए मुकेश अंबानी टॉप द हरून इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट 2018 ऑन Feb 9 विद द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 437 करोड़ रुपीज बिटवीन October 2017 एंड September 2018। तो इन्होंने 437 करोड़ रुपए का दान दिया है, और वो भी एक साल के अंदर, मतलब October 2017 से September 2018 तक 437 करोड़ रुपए। और इन्हीं के जो कहते हैं ना हम लोग, क्या कहेंगे, इन्हीं के जो, जहां इनकी बेटी की शादी हुई है, तो इनके समधि देख लीजिए, तो ही वॉज फॉलोड बाई पिरामल ग्रुप चेयरमैन अजय पिरामल हु मेड ₹200 करोड़ डोनेशन। तो इनके ही समधि जो हैं उनके ग्रुप से 200 करोड़ रुपए दान दिए गए हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं अजय पिरामल। तो ये दोनों पॉइंट आपको हम समझा दे रहे हैं, मुकेश अंबानी अजय पिरामल 437 करोड़ एंड 200 करोड़ इसकी इन्फॉर्मेशन। इस लिस्ट में वही लोग आते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 10 करोड़ से ऊपर का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए द लिस्ट रैंक इंडिविजुअल फ्रॉम इंडिया हु डोनेट ₹10 करोड़ एंड अबव बिटवीन October 2017 एंड September 30, 2018। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको लर्न हो गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या क्या है देखिए यहाँ पर। तो अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन न्यूज, तो आपको ये रिविजन करने के लिए है, मिस्टर संजीव चड्ढा आपको पता ही है,
SBI के UK चीफ, तो इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी का अवार्ड मिला है। सना मीर जो है पाकिस्तान की, ये फर्स्ट एशियन वुमेन बन गई है 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली। ठीक, मणिपुर के फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा है, इन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ है उसके लिए वजह से। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे वाणी कपूर जो है बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अर्न अ कार्ड फॉर द ऑस्ट्रेलियन लेडीज PGA टूर। और भावना कस्तूरी की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं टू लीड ऑल मैन आर्मी कंटिजेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। ये कुछ नाम है जो आपको लर्न होने चाहिए, आपको पढ़ाए हुए हैं रिवीजन करने के लिए केवल आपके लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आबू धाबी की। तो और एक माइलस्टोन हमने टच किया है यहाँ पर और हम बात कर रहे हैं आबू धाबी की। तो आबू धाबी ने हिंदी लैंग्वेज को अपनी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। एग्जैक्टली में होता क्या है, आपको पता है कि UAE की बात करें तो बहुत सारे इंडियन वहाँ पर वर्क करते हैं, तो जो कानूनी प्रक्रिया है आबू धाबी की या UAE की, उसमें लैंग्वेज बैरियर ना पड़े, लोगों को अपना अधिकार पता हो, लोगों की अपनी सीमा क्षेत्र पता हो, इसके लिए हिंदी को वहां पर थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। द आबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट एडेड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। आबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट, याद रखना, हिंदी को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित किया है टू बी स्पोकन इन द सिटीज कोर्ट अलोंगसाइड अरेबिक एंड इंग्लिश। तो अरेबिक और इंग्लिश दो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी और हिंदी तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। अब यहाँ पर जुडिशियल डिपार्टमेंट से यार कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे क्लियर हो रहा है कि मतलब जो जुडिशियल चीज़ें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको बेटर तरीके से समझने के लिए हिंदी को बनाया गया, बिकॉज हिंदी भाषी बहुत लोग वहाँ पर हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपसे। देखिए तो ये वही बोला गया, द स्टेप इज एम्ड एट हेल्पिंग फॉरेनर्स टू लर्न अबाउट लिटिगेशन प्रोसीजर, देयर राइट एंड ड्यूटीज विदाउट अ लैंग्वेज बैरियर। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहता है ना तो हम चीजें भूलते नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आबू धाबी ने क्यों बनाया, व्हाट इज द रीजन, तो कहीं पर जुडिशियल ऑप्शन में होगा तो आप समझ जाएंगे, उस पर टिक कर देंगे, है ना, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको यहां पर हम दिखाने जा रहे हैं। तो UAE की बात कर ले रहे हैं एक बार आपसे। ठीक, देखिए कैपिटल आबू धाबी है, करेंसी क्या है, दिरहम चलती है वहां पर, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, खलीफा बिन जायद अल नाहयान, एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तून। तो ये है पूरा स्टडी पॉइंट UAE का जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, कौन कहा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है पेट्रोटेक 2019 इन नोएडा। देखो ये पेट्रोटेक है क्या, पहले उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक मार्केट होना चाहिए ऑयल एंड गैस में, तो हम ये इवेंट इसलिए कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के जो डेलीगेशंस हैं, पूरे वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका ध्यान इंडियन मार्केट पर आए कि इंडिया भी एक बेटर मार्केट है टू इन्वेस्ट इन द सेक्टर ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इसीलिए ये पेट्रोटेक जो है ये हुआ हमारे देश में। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया पेट्रोटेक 2019 का, कहां पे किया, नोएडा में किया, उसकी इंफॉर्मेशन देखिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द पेट्रोटेक 2019 ऑन 11 February एट इंडियन एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, नोएडा में हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए अब कैसे पॉइंट है, इट इज इंडियाज फ्लैगशिप हाइड्रोकार्बन कॉन्फ्रेंस बींग ऑर्गेनाइज अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको होस्ट किया, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इवेंट को। पहले पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको समझना है, तो इट विल शोकेस द रिसेंट मार्केट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली डेवलपमेंट इन इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर। वही मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ कि इंडिया चाहता है कि पूरे विश्व के लोग जो जाने कि इंडिया भी एक मार्केट है, यहां पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि ऑयल एंड नेचुरल गैस में हम थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो, हमारे देश में प्रोडक्शन हो, हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं वो आगे एक्सप्लोर अच्छे से हो। तो इन सब के लिए ये इवेंट हुआ है। ठीक, तो इस इवेंट में 70 कंट्रीज के डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। काफी बड़ा ये इवेंट था, नोएडा में हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज पर है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन है मिनिस्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपसे।
उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के स्टडी पॉइंट आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है। ये दो पॉइंट आपको लर्न करने होते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, ये सारे पॉइंट आपके सामने है, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया हुबली इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में हुबली जगह पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और इसी में प्राइम मिनिस्टर जी ने तमिलनाडु की भी यात्रा की थी, उसका भी एक अंश एक पार्ट हमने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड हुबली कर्नाटका, तो ये पॉइंट तो हमको चलो क्लियर हो गया, ठीक है। टू अनवील सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से थे वो हमको पढ़ना जरूरी है था, ठीक। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर IIT धारवाड़ एंड ट्रिपल IIT धारवाड़। तो इन्होंने IIT धारवाड़ और ट्रिपल IIT धारवाड़ की परियोजना की नींव रखी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, IIT धारवाड़ और ट्रिपल IIT धारवाड़, ये दोनों पॉइंट, ठीक है, याद रखना इसी पॉइंट को। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट 1.5 MMT मैंगलोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन। यानी कि मैंगलोर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट 1.5 MMT जो है ये हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, कर्नाटका को समर्पित किया गया है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको लर्न करनी है। इसके अलावा धारवाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए 2,350 हाउस का ई गृह प्रवेश भी हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ये सौजन्य से हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कर्नाटका में ये पॉइंट किए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। IIT धारवाड़ और ट्रिपल IIT धारवाड़ की परियोजना की नींव रखी। इसके बाद देखो तो मैंगलोर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी ये देश को समर्पित किया, इसका नाम क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट 1.5 MMT। उसके बाद धारवाड़ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 2,350 घरों का गृह प्रवेश हुआ, ई गृह प्रवेश हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड तिरुपुर इन तमिलनाडु, तो यहां पर भी गए ये, ठीक है। और यहां पर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट तिरुपुर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस तरह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने तमिलनाडु के किस जिले में ESIC का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, तो आपको पता है तिरुपुर। तो तिरुपुर वाला पॉइंट याद रखना है आपको, तिरुपुर कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ESIC का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात कर रही है प्रिया की, 742 वॉचिंग एंड 165 लाइक्स ओनली। गाइज लाइक कर दीजिए बिल्कुल, अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो, ताकि हमको पता चले कि आप वाकई में इसे लाइक कर रहे हैं कि लाइक नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक समझ रहे होंगे आप भावनाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में अगर बात करें तो पूरी लिस्ट आपको यहां पर हमने दी हुई है और ये हमने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है। ये जो प्रोग्राम है ये थ्री फेज में डिवाइड है, थ्री फेज। उसकी बात कर लेकर तो 2015 से लेकर 17, फिर देखिए 17 से लेके 19 और फिर 19 से लेके 2022 तक, मतलब कि हाउसिंग फॉर ऑल की ये हमारी स्कीम है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो हमारे PDF में रहेगा आराम से, इसे जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो आराम से इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग आपसे, कर्नाटका के स्टडी पॉइंट आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। कर्नाटका के नेशनल पार्क वार्क सब मैंने पढ़ाए हैं ट्रिक के थ्रू, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिएगा। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, स्टेट लैंग्वेज क्या है, मेजर सिटीज, मेजर रिवर्स, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी हुई है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ESIC के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दें तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर। तो ESIC की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो चेयरमैन कौन है, तो बंदारू दत्तात्रेय जो है ये चेयरमैन है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये इंडिपेंडेंट चार्ज पे हैं। तो बंदारू दत्तात्रेय जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ये चेयरमैन भी हैं ESIC के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, तमिलनाडु के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्टडी है। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैपिटल, नेशनल पार्क्स, स्टेट बर्ड, ये सब पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। आई होप कि आपको ये सब याद भी हो गए होंगे, डेली आपको हम कुछ ना कुछ स्टडी पॉइंट देते रहते हैं, ठीक। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड। हिमाचल प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है आपको पता है, हरसिमरत कौर बादल। तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया। किस जिले में हुआ ये याद रखना आपको ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल जी ने इनॉग्रेट किया है क्रीमिया मेगा फूड पार्क, क्रीमिया मेगा फूड पार्क थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 10 फरवरी। तो देख लीजिए यहाँ पर हरसिमरत कौर बादल जी ने हिमाचल प्रदेश में क्रीमिया मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। दिस इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क एट हिमाचल प्रदेश। पहला मेगा फूड पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का। कहाँ पर? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सिंघान, वहां पर सिंघान विलेज है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना में कहां पे सिंघान एक गांव है, वहां पर ये जो मेगा फूड पार्क है इसका उद्घाटन किया गया। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किसी किस स्टेट में उस स्टेट का पहला मेगा फूड पार्क का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। किसने किया? हरसिमरत कौर बादल जी ने। ये कौन है? ये हमारे देश की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है। ठीक, इसके बाद क्या, कहां पर हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। गांव का नाम, तो गांव का नाम क्या है आपके यहां पे लिखा हुआ है? सिंघान है। तो ये सारे पॉइंट इस तरह बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, इस पार्क की टोटल कॉस्ट कितनी है? तो इस पार्क की टोटल कॉस्ट आपकी है 107.34 करोड़ टोटल कॉस्ट है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतने ही मोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको लर्न करने हैं इस पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आपसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसके पास है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हरसिमरत कौर बादल जी की। तो 1988 में इस मिनिस्ट्री को बनाया गया। इसका वर्क क्या है? ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन एंड लॉ रिलेटिंग टू फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरसिमरत कौर बादल जो है ये मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, एंड साध्वी निरंजन ज्योति जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दोनों की इंफॉर्मेशन यहां पर दे दी गई है। साध्वी निरंजन ज्योति, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट न्यू चेयरमैन बने हैं अफ्रीकन यूनियन के। तो मिस्र के राष्ट्रपति अफ्रीकी संघ के नए चेयरमैन बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इनका नाम आपको पता ही होगा। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। चेयरमैन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दिए हैं। एक्चुअली इथोपिया में एक कॉन्टिनेंटल बॉडी समिट हो रही थी, तो इथोपिया में कॉन्टिनेंटल बॉडी समिट में इनको चुना गया है, अब्दे फतेह अल सीसी को। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है। एक साल का कार्यकाल होता है चेयरमैन का, और फिर इसकी अफ्रीकन यूनियन की दशा और दिशा तय करते हैं ये लोग। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इथोपिया में कॉन्टिनेंटल बॉडी समिट हुई थी, उसमें चुना गया, ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इट इज अ कॉन्टिनेंटल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ 55 कंट्रीज। तो पूरे अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज जो है वो मेंबर हैं, और इस समय चेयरमैन कौन है वो आपको मालूम चल गया नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर इजिप्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कायरो कैपिटल है, करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, यानी कि इजिप्ट में पाउंड चलता है, इजिप्शियन पाउंड चलता है। और अगर इथोपिया की बात करें तो इथोपिया की कैपिटल है एडिस अदाबा, करेंसी है बिर, और प्रेसिडेंट कौन है? शहेल वर्क जेवडे। तो ये प्रेसिडेंट है इथोपिया के, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, जो कि मैस्कॉट चुना गया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजन एस मैस्कॉट, कहां का मैस्कॉट, आइए उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम देते हैं। देखिए, मंडे वाली क्लास में मैंने एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछा भी था आपसे क्वेश्चन। ठीक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज बीन अनाउंस्ड एज द मैस्कॉट फॉर द 13th यूएन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पाइसिस। तो आपको पता है कि जो हमारे देश में गांधीनगर गुजरात में 15 से 22 फरवरी 2020 को 13th यूएन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज होगा, तो उसका यह शुभंकर चुना गया है। ये जो संस्था है, ये जो माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए वर्क करती है। गांधीनगर गुजरात में ये होने वाला है, और इसके लिए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मैस्कॉट चुना गया है 13th यूएन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, गांधीनगर ये पॉइंट आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इंडिया में होने वाला है, गांधीनगर गुजरात में होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैस्कॉट वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जी के द्वारा ये मैस्कॉट को लॉन्च किया गया है, ये भी पॉइंट आपको पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। और ये बोला गया है कि द CMS COP 13 इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड हैज 120 कंट्रीज एज पार्टिसिपेंट। तो 120 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और ये वर्क किस लिए करता है तो ये आपको मालूम चल गया, ठीक है। कहाँ पर होगा? ये होगा आपका गुजरात में होगा, 2020 में होगा, गांधीनगर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। चलिए तो यहाँ पर आपके यूनाइटेड नेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इमेज मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो UN में जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा हमारे PDF से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आपसे। गुजरात की स्टैटिक पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये सब पॉइंट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। देखो दो तीन दिन का करंट अफेयर्स इसके थोड़ा लंबा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं न्यू ऑब्जर्वेटरी इन टिहरी। टिहरी कहाँ पे है? टिहरी है उत्तराखंड में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो टिहरी में नई वैधशाला जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं। देखिए, हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी वॉज सेटअप इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित की गई है उत्तराखंड में टिहरी में, और ये वेधशाला क्या करेगी? इट इज सेटअप टू रिसीव फोरकास्ट एंड मॉनिटर क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट इन द हिमालयन रीजन। तो हिमालय क्षेत्र में जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या हो गया था, कितना बड़ा एक तरह का कहते हैं ना, वो वहाँ पे काफ़ी तूफान आ गया था, काफ़ी लोग मर गए थे, तो ऐसा ना हो इसके लिए ये आपकी ऑब्जर्वेटरी को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो पहले ही बादल फटने की घटनाओं की जानकारी मिल जाएगी, ताकि राइट टाइम पर राइट एक्शन लिया जा सके, ठीक। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेटरी इन द कंट्री टू मॉनिटर क्लाउड एक्टिविटीज। तो दूसरी ये ऑब्जर्वेटरी है क्लाउड को पढ़ने के लिए, नॉलेज लेने के लिए क्या क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए उसके बाद, तो लिस्ट ऑफ स्पेस ऑब्जर्वेटरीज इन इंडिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी जितनी भी इंडिया में है उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, स्टैटिक पॉइंट में ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। देख लीजिए, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। उत्तराखंड के नेशनल पार्क मैंने ट्रिक के थ्रू याद कराए हैं, याद कर लीजिएगा वो सब चीज़ें, ठीक। ऑबिट्रीज की बात करते हैं, तो एक्टर महेश आनंद का निधन हो गया है 57 एज में। महेश आनंद का निधन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम तो नहीं लेंगे, नाम आपको याद रखना है। तो अगर बात करते हैं तो महेश आनंद का 57 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है, और इनकी मौत कुछ दिन पहले हुई थी, उसकी जाँच चल रही है कि क्या दिक्कत थी इनको और क्यों ये इनकी डेथ हुई इनकी, ठीक। और इनके मूवीज़ का नाम आपको बताया गया है, तो शहनशाह और थानेदार, कुरी नंबर, विजेता, उसमें इन्होंने काम किया है। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ऑबिट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी मंथ में जो फेमस पर्सनालिटी थे जिनकी डेथ हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इनके फील्ड के साथ, और आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा जनवरी मंथ कवर किया है इसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्रीमेंट एंड MOUs की। तो MOU साइंड बिटवीन मंगोलिया एंड EIL, और दोस्तों EIL का मतलब क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो मंगोलिया और EIL के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्यों हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आगे आपको देंगे। देखिए, एन MOU वॉज साइंड बिटवीन मंगोलिया एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ऑन 10 फरवरी, ठीक। क्यों? देखिए, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज अ PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं और क्या, तो इट हैज बीन साइंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी प्लांट इन मंगोलिया बाय EIL। तो मंगोलिया में एक ऑयल रिफाइनरी प्लांट इस्टेब्लिश करेगा EIL, और इसके बारे में कंसल्टेंसी देना, और उससे कंसल्टेंसी से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का वर्क EIL मंगोलिया में करेगा, तो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 1.5 MMTPA ग्रीनफील्ड क्रूड ऑयल रिफाइनरी विल बी सेटअप इन द, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सेंशंड में, सेंशंड जो है कैपिटल है, तो सेंशंड में ये बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो EIL जो है एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, नवरत्न कंपनीज में ये आती है, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो 1965 में इसे फाउंड किया गया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके की पीपल हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? JC नकरा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अगर मंगोलिया की बात करें तो कैपिटल उलन बटार है, वो जो
वो कैपिटल है वो आपकी इकोनॉमिक कैपिटल है, ठीक है। तो उलनबटार करेंसी मंगोलियन टोगरोग है, और प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ पे देखिए भटुलगा जी हैं, या आपको के भटुलगा कहते हैं इसे, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैपिटल एक्चुअली क्या होता है कि कैपिटल दो तीन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, मुंबई है। अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो दिल्ली है, ऐसे ही श्रीलंका में है, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी है, वैसे ही मंगोलिया की बात भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और एक्स्ट्रा हाईलाइट आपके सामने शुरू हो रहा है। तो इंडिया पार्टिसिपेटेड इन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, तो भारत ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया है। भारत का कौन, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि 7-17 फरवरी बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 फरवरी 2019। तो वर्ल्ड पल्स डे जो है ये 10 फरवरी को सेलिब्रेट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए याद कर लीजिएगा, पहली बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो संजय कुमार वर्मा जो कि अभी जापान में इंडिया के राजदूत हैं, तो इनको नेक्स्ट एम्बेसडर चुना गया है फॉर मार्शल आइलैंड का, लेकिन ये एक साथ दोनों वर्क करेंगे, ये जापान के भी राजदूत रहेंगे और मार्शल आइलैंड के भी राजदूत रहेंगे। और मार्शल आइलैंड की बात करें तो प्रेसिडेंट, कैपिटल एंड करेंसी की इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रुचिरा कंबोज जो है वॉज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू भूटान। तो ये भूटान में इंडिया की एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, नाम देख लीजिए, रुचिका कंबोज जिनका नाम है, इमेज आपके सामने दी हुई है। तो ये फोर्थ पॉइंट हमारा आज का है। फिफ्थ पॉइंट चलते हैं, तो रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं। रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपॉइंटेड रिकी पॉन्टिंग एज द असिस्टेंट कोच फॉर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम फॉर 19 वर्ल्ड कप। तो ये 2019 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम के सहायक कोच की भूमिका में रहेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन, पांचवी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। सिक्स इन्फॉर्मेशन है, अक्लेम्ड इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीपा मेहता विल बी गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन। तो अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा टेलीविजन जो है दीपा मेहता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। सिक्स पॉइंट हमारा ये है आज का, ठीक है। सेवन पॉइंट की बात करें तो कोरिंट मोटेट जो है ये फ्रांस के हैं, इन्होंने चेन्नई ओपन जीता है। तो फ्रांस के कोरिंटिन मोटेट जो है इन्होंने चेन्नई ओपन जीता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट नहीं है लेकिन हाँ है, इवेंट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा होगा, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर के जे अल्फोंस लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर श्री नारायण गुरु स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज सर्किट इन वर्कला केरला। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस ने केरल के वर्कला में श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक तीर्थयात्रा सर्किट का शिलान्यास किया। तो ये एट पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट में थे जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। तो आज हमने दो तीन दिन का करंट अफेयर्स जो है वो कवर किया है। सैटरडे के जो करंट अफेयर्स थे उसके बहुत सारे MCQs भी हमने आपको मंडे को करा दिए थे ताकि आपको सारे पॉइंट याद रहे। तो ये हमारा शो था, कल से आपको MCQs भी मिलने लगेंगे। तो कल मिलते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे फिर से CA की, और आज शाम को 5 बजे GA क्लास होगी। कल एक्चुअली RRB का वो आंसर किया गया था, तो उसका एक वीडियो मेरे शो के टाइम पर आ गया था, तो लेकिन आज हमारा 5 o'clock पर शो होगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आप सबका दिन मंगलमय हो।